नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। लोकसभा के चुनाव, किसका तख्ता भारी? तो बात करते हैं दिग्गज सरपंच संतोष बैनीवाल से। इलेक्शन कैसे चल रहे हैं, माहौल क्या बना हुआ है? जैसे सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रही है कि संतोष बैनीवाल का जो जज्बा है वो सामने आ रहा है, लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में काफी लोग कांग्रेस ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो बात करते हैं मैम के साथ, आज भी काफी अच्छा कार्यक्रम रखा गया था, सचिन पायलट पहुंचे थे आज, तो बात करते हैं चुनाव के बारे में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, कैसी तबीयत है? बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़ती हुई गर्मी के साथ चुनाव कैसे हैं? बहुत अच्छा, गर्म माहौल है और सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो डंके की चोट पे चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफा चुनाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रही है, देख रहे हैं, जन समर्थन कुमारी शैलजा के साथ साथ आपको भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल रहा उसके अंदर जनता समझ चुकी है और जनता चाहती है कि काम हो, तो इसी हिसाब से उन्होंने मेरे को भी प्यार देने का काम किया है और बहन कुमारी शैलजा जी आई है उनको भी प्यार दे रहे हैं और मान सम्मान पूरा मिल रहा है। और हमें ये चीज़ देखने को आ रही है कि हमें लाख कोशिश करने के बाद भी आने वाले नहीं थे पर वो अपने आप ही आ रहे हैं अब। जी जी, क्योंकि दिन ब दिन जैसे भी है मैं ज्वाइनिंग करवाती जा रही हूँ। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे, पहुंचे थे, कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी हमारे एलनाबाद हलके के गांव रामपुरा डेलो में पहुंचे थे और आपने देखा भीड़, क्योंकि हमने सिर्फ एक मैसेज डाला था और मैसेज भेजने भीड़ थी वो स्पष्ट दिखाई देता है, जनता जाग चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। जी जी, आगे के कार्यक्रम आपके कैसे हैं? जैसे अलका लांबा जी भी आ रही हैं। हाँ हाँ, कल हमारे गांव दड़बा कला में अलका लांबा जी भी आ रहे हैं, वो भी वोटों की अपील करेंगे और क्योंकि उनका नाम सुन के भी लोगों के अंदर काफी उत्साह है। जैसे बात करें मैम, टिकट मिलने से पहले ही कुमारी शैलजा की एक तरफा लहर थी, माहौल था भी एक तरफा चुनाव है, कुमारी शैलजा जीत रही है, लेकिन 3-4 दिन के अंदर बदलाव है वो काफी आया है, भाजपा की जो रैलियां हैं वो भी स्ट्रांग होने लगी हैं और कल छत्तीसगढ़ से पूर्व विधायक थे वो पहुंचे हुए, तो उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कुमारी शैलजा पर। आप उन आरोपों को कैसे देखते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है, शराब घोटाले का मामला है? देखिए, आज तो ये काम कर रहे हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने का काम कर रहे हैं, तो वो छुपने वाले नहीं है क्योंकि जनता जाग चुकी है और जनता को सब पता है। रेलियां तो किराए की भाड़े के आदमी ला के तो कोई कर दे, हमें पता है सभी गांव में 500-500 रुपए दे के आदमी चढ़ाए हैं, रेली सक्सेस करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग वोट नहीं देंगे। हाँ जी, कप्तान मीनू बैनीवाल काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, कह रहे हैं आंकड़ा पार होगा, 400 पार होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेती, इस इलेक्शन के अंदर जो भाजपा है उसका सौंपड़ा साफ होकर, मतलब पूरी फुल गारंटी है, फुल गारंटी है, 100% से 101% गारंटी है कि हम ये चुनाव है काफी मार्जिन से जीत रहे हैं। भाजपा सरकार चुनाव लड़ रही है मोदी की गारंटी पर, मोदी विजन, कांग्रेस का विजन क्या है, कांग्रेस की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी की बात करती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी को तो जो भाजपा ये प्रत्यक्ष से उतारा है, मैं तो ये कहती हूँ 4 तारीख तक इसकी गारंटी ले लो, नहीं 4 तारीख के बाद में कहाँ जाएगा, ये पता है क्या आपको? गारंटी तो मैं इनकी लेनी चाहिए। और आज के दिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दे रही है, कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की है, किसान को न्याय मिलने की बात है, किसान को अपने अधिकार मिलने की बात है, युवा को न्याय मिलने की बात है, तो कांग्रेस जो पार्टी है उसके वादे झूठे नहीं है, क्योंकि पहले भी किसान के हित में रही है, आमजन के हित में रही है और हमें पूरा विश्वास है आगे भी आमजन के हित में रहेगी। लोकसभा चुनाव में बैनीवाल परिवार को एक मंच पर इकट्ठा देखा गया है, कि विधानसभा में भी ये परिवार ऐसे इकट्ठा रहेगा? देखिए, जिस तरह हाईकमान ने आज आदेश दिया है उसी हिसाब से ऊपर हाईकमान आदेश देगा और उसी हिसाब से हम एकजुट होंगे, आगे विधानसभा जो इलेक्शन है वो लड़ने का काम है। आपकी विधानसभा की तैयारी भी साथ साथ चल रही है? वो तो जनता पे डिपेंड करता है, जनता क्या चाहती है, क्योंकि और हाईकमान जो आदेश देगा मैं वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा और मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं।
महिलाओं से मिल रही हैं, महिलाओं से भी वार्तालाप आपकी काफी अच्छी जा रही है, तो आपको जो मेन समस्या है वो क्या देखने को मिली है गाँव के अंदर, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है, महिलाओं की बात करें तो आज के दिन महिलाएं सुरक्षित हैं। इधर मोदी सरकार तो कहती है कि महिलाओं को सुरक्षित वो महसूस करते हैं, पर आज के दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और हमारे सिरसा जिला की चोपटा क्षेत्र की बात करें तो हमारे जो चोपटा क्षेत्र है उसके अंदर डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हमारी बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए 45-45 किलोमीटर की दूरी तय करके और बसों में लटक लटक के जाना पड़ता है। आज आप देख रहे हो जो लड़के हैं और लड़कियों के साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं, तो आज के दिन देखिए महिला सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित तो कोई नहीं है। जो सिरसा की सीट है, आप पूरी सुरक्षित मानते हैं कि कुमारी शैलजा जीतेगी? 101% दावे के साथ कहती हूँ कि जो कुमारी बहन कुमारी शैलजा जी है वो काफी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। हाँ जी मैम, एक अहम सवाल जो बीच में रह गया था, राम राज्य को आप कैसे देखते हैं, राम मंदिर बनने से आप कितने खुश हैं? राम तो पहले ही था, मंदिर का आदेश तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट का है, मोदी ने थोड़ी बनवाया है, और राम सबके दिलों में है, तो मैं इस चीज को नहीं देखना चाहूंगी। ये तो कभी ढोंग रस्ते हैं, कभी राम के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी जात पात के नाम पे लड़वा के फिर वोट मांगते हैं। मैं तो ये मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि काम के वोट किस दिन मांगोगे, काम के वोट तो कभी मांगे नहीं, क्योंकि काम किया ही नहीं तो वोट कहाँ से मिलेंगे। ये जो अभी इतनी नौकरियां लगी हैं, पर्ची खर्ची फ्री है, जैसे पहले की बातें तो लाइनों में लगना पड़ता था, सब काम ऑनलाइन है, इतना भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो इसको आप कौन सी काउंटिंग में मानते हैं? देखिए धरातल पे जाके देखना, और जो ये नौकरियां लगाई हैं तो वो पक्की नौकरियां नहीं है, आप इलेक्शन के बाद में देखना इनका क्या हाल होने वाला है। हाँ, और पर्ची खर्ची की बात करते हो, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे काम बात कोई भी हो, काम कोई भी हो, लो हम करते हैं पीछे पकड़वा देते हैं, मिनटों में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी जगह इनके तुगलीबाजी चल रही है। लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं? लास्ट में मैं सभी क्षेत्रवासियों से और प्रदेशवासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो आज ये चुनाव होने जा रहा है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी कांग्रेस जो है उसको जिताने का काम करें, और भारी मतों से जिताने का काम करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी सिरसा की जो भागीदारी है वो सबसे बड़ी भागीदारी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष बैनीवाल, और जिनका यही कहना है कि जो शैलजा कुमारी शैलजा की जीत है वो एक तरफा है, और 101% ये उस पर मोहर लगाते हैं कि जो सिरसा की सांसद है वो कुमारी शैलजा होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।